गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है उमर अय्यूब स्पीच। ये बेसिकली पीटीआई के कैंडिडेट है और इन्होंने ये स्पीच दी है असेंबली में। और हम सभी को ही पता है कि जो पीटीआई है वो इमरान खान की पार्टी है और जो इमरान खान है वो फिलहाल जेल में है और उनको तो 26 साल की जेल दी गई है। लेकिन अभी जो पीटीआई के कैंडिडेट आए हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए वो है उमर अय्यूब। अब इनकी हम फर्स्ट स्पीच सुनेंगे तो देखते हैं कि अपनी फर्स्ट स्पीच में क्या बोलते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि बोलेंगे कि क्या क्या करेंगे नेशन के लिए और शायद ये इमरान खान के बारे में भी बताए कि इमरान खान की क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है उनके। और जो लोग हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो से हमें पता लगा कि उन लोगों ने काफी टाइम हो गया है, लाइक 8-9 महीने हो गया लोगों ने इमरान खान को देखा तक नहीं है। और जो लोग हैं पाकिस्तानी वो इमरान खान को देखने के लिए ऐसे हो गया कि यार एक झलक ही दिख जाए चाहे। तो देखते हैं कि ये वाली स्पीच कैसे होने वाली है। और मैं अपने कायदे इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन आए हैं उनकी तरफ से यहाँ पे हम लोग एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, हम सब ने जो हलफ उठाया है, हलफ मींस उस हलफ में वाज़े तौर पे है कि हम लोग रूल्स और कानून की पासदारी करेंगे। इस वक्त हमारे पास जनाब स्पीकर ये हाउस नामुकम्मल है और मेरे लर्नर्ड कॉलीग जो के मानाज बैरिस्टर भी है सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको एलैबोरेट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के तहत मैं रूल्स जो आपके सामने इस ऑगस्ट हाउस का अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथी बार मैं मेंबर रहा हूँ और रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझता हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। लिहाजा मैं अपने लर्नर्ड कॉलेज को छोड़ देता हूँ आपकी तवसत से। मैं पाकिस्तान की कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये मैंडेट दिया। जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा कि बैरिस्टर गौर साहब को बहुत ही कमाल की स्पीच थी, बहुत ज्यादा। और इससे हमें पता लगा कि जो वो लेडी थी जो उठी थी कैंडिडेट के लिए वो उसको भी जेल में डाल दिया गया है और उन्होंने थैंक्स बोला। ऑब्वियस सी बात है कि इमरान खान को उन्होंने थैंक्स बोला। हालांकि बहुत छोटी सी स्पीच थी लेकिन बहुत ही कमाल की स्पीच थी। और यार इसको देखकर कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है क्योंकि जो सबसे अच्छी पार्टी है पाकिस्तान की पीटीआई उसके साथ ये सारी चीजें की जा रही है नून पार्टी द्वारा या फिर दूसरी पार्टी द्वारा नवाज शरीफ एंड ऑल द्वारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आए, वो नहीं चाहते कि वो पीटीआई कहीं से भी जीते। और जो लोग भी चांस उनका और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिलों से कि भाई पीटीआई ही जीते। तो इसको देखकर बुरा लग रहा है कि देखा जाए पाकिस्तान में इस टाइम मोनार्क रूल चल रहा है। वो कहते हैं ना वो वो पीछे से नहीं चल रहा है, मतलब कि सामने से दिख रहा है वो चीजें, वो पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तानियों को ही पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। और ये बहुत दुख दिए चीज है। और फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान ऐसे बोलता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। मुझे नहीं लगता डेमोक्रेसी है क्योंकि अगर मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग है वो अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं रहे, बोल रहे लेकिन लोगों को दबाया जा रहा है, वो एक पावर द्वारा दबाया जा रहा है जो कि बहुत चीजें गलत हो रही है। लेकिन वही चीजें इसकी वजह से पाकिस्तान पीछे होते जा रहा है क्योंकि जो
बेसिकली लीडर उनको अच्छे नहीं मिल रहे पाकिस्तान। अगर गवर्नमेंट किसी कंट्री की अच्छी होगी तो उनका हो गई डेवलपमेंट। और हम लोगों ने शायद वो टिकटॉक देखी थी जहाँ पे वो इमरान खान का वाला पार्ट आया था कि जब इमरान खान नहीं थे प्राइम मिनिस्टर तो जीडीपी कितनी थी पाकिस्तान और उसके बाद कितने थे, वहां पे अटैक कितने हुए थे और उसके बाद कितने अटैक हुए, तुम्हारे इकोनॉमी रेट में दिखाया गया कि कितना ज्यादा फर्क आ गया। वही बात है ना कि एक अच्छा लीडर एक नेशन को आगे बढ़ाता भी और साथ साथ दबाता भी है। तो इसमें भी यही चल रहा है कुछ पाकिस्तान में। और पता नहीं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बने भी तो इमरान खान तो फिर भी नहीं बनेंगे, तो वो चीज पता नहीं क्या ही हो गई है। और पता नहीं, मैं हम बस यही विश करते हैं, सब पाकिस्तानी यही विश करते हैं कि इमरान खान बाहर आए, सब कुछ ठीक हो। पर वही बात है ना, रास्ता किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे होगा वो सारी चीजें। और बस मैं तो इतना ही बोलूंगी कि जो पाकिस्तान की हालत है जो अभी फिलहाल चल रही है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।